अब हम इंजन का इनलेट मैनिफोल्ड और हेड खोलेंगे। उसके लिए इंजन को थोड़ा सीधा कर लेते हैं। इनलेट मैनिफोल्ड ये हमारा हेड में ये है हमारा रॉपर आर्म लगा हुआ है। जो वॉल्स होते हैं वॉल को खोलने और बंद करने का काम रॉपर आर्म ये जो लगे है रॉड इसे बोलेंगे हम पुश रॉड इनके द्वारा करता है। तो रॉपर आर्म खोलने से पहले सबसे पहले हमें ये सुनिश्चित करना है कि ये जो पुश रॉड है वो हमेशा लूज होनी चाहिए। उसको लूज करने के लिए तो सबसे पहले हम स्क्रू ड्राइवर और रिंग स्पैनर के माध्यम से इस नट को हम लूज करते हैं। बाद में इसको लूज करेंगे इसको ताकि हमारा रॉपर जो है वो फ्री हो जाए। सभी रॉपर फ्री होने के बाद हम रॉपर आर्म को बाहर निकालेंगे। दो नट और सेंटर पोर्ट निकालने के बाद रॉपर है तो निकालेंगे। जैसे रॉपर निकालने के बाद आप देख पा रहे होंगे यह है पुश रॉड। कुल मिला के 8 पुश रॉड है, एक वॉल एक सिलेंडर के लिए, एक इनलेट और एक एग्जॉस्ट के लिए एक एक पुश रॉड। ऐसे 4 सिलेंडर के लिए हमें 8 पुश रॉड है। ये दिख रहे हैं ये हमारे वॉल्स, ये है वॉल स्प्रिंग, ये है हमारा कवर। तो हम एक एक करके पुश रॉड निकालेंगे और सुनिश्चित करेंगे जो पुश रॉड जहाँ से निकली है वो वही वापस लगनी चाहिए। हमें ये जरूर ध्यान में रखना है जो बोल्ट होंगे उसका अनुक्रम से खोलना है। अनुक्रम यानी जब खोलेंगे हम तब बाहर से खोलते खोलते हुए अंदर की तरफ आएंगे, यानी ये बाहर वाले सबसे पहले खोलेंगे बाद में धीरे धीरे अंदर की तरफ आएंगे। या कंपनी की तरफ से भी आपको एक तरीका यानी चार्ट दिया होगा किस अनुक्रम से लगाना है और किस अनुक्रम से खोलना है। तो हमने अब गेट के बोल्ट खोल लिए पूरी तरह से। याद रहे कोई वॉशर हमारा सुनना नहीं चाहिए। अब हेड खोलने के बाद हम टाइम कॉम को निकालेंगे। तो हमने इसके जो बोल्ट लगे थे पूरे बोल्ट को निकालते हैं और स्क्रूड्राइवर के माध्यम से टाइम कॉम को निकालते हैं। तो यार गियर दिख रहे होंगे, इस गियर को हम टाइमिंग गियर बोलते हैं। मुझे लगता है 4 गियर हैं। एक एक करके हम गियर की अधिक जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जो गियर दिख रहा है इस गियर को हम कैमशाफ्ट गियर बोलते हैं, जो कैमशाफ्ट के ऊपर लगा होता है। इसके नीचे जो गियर है वो क्रैंकशाफ्ट गियर है, सबसे छोटा वाला और सबको ड्राइव वही प्रोवाइड करता है। क्रैंकशाफ्ट गियर के बाद ये जो गियर है इसे बोलेंगे हम आइडलर गियर, और आइडलर गियर के बाद ये जो गियर है इसे बोलेंगे हम FIP यानी फ्यूल इंजेक्शन पंप गियर, जो FIP पंप को चलाता है। टाइमिंग के और गियर की जानकारी होने के बाद हम देखते हैं हेड खोलने के बाद जो हमारा ब्लॉक है ऊपर से इस तरीके से दिखेगा। जैसे आप देख पा रहे हो ये हमारे 4 पिस्टन है, 2 नीचे 2 ऊपर है, 4 सिलेंडर का इंजन है। इसलिए पिस्टन जिसके अंदर रहेंगे इसे हम लाइनर कहते हैं। तो इस सिलेंडर में वेट टाइप लाइनर है, तो लाइनर के अंदर हमारे चारों पिस्टन लगे हुए हैं। अब हम स्पाइरल को खोलेंगे पी एंड एल सॉकेट के मदद से। जैसे आप देख पा रहे होंगे फ्लाईव्हील इस बेंच पे लगता है, एक पिन दिख रही है जिसे हम डोवेल पिन बोलते हैं ताकि फ्लाईव्हील अपनी जगह पे ही लगे। इसके अंदर एक पायलट बेयरिंग लगा हुआ है जो कि हमारे क्लच शाफ्ट को सपोर्ट करेगा घूमने के लिए। और अब हम ये प्लेट खोलने जाने वाले हैं, इसे हम एयर ऑयल प्लेट या रिटर्नर प्लेट भी बोल सकते हैं। अब हमने सभी बोल्ट यूज कर दिया है माध्यम से। जो हमारे एयर ऑयल सिल देख रहे हो, अब हम क्रैंकशाफ्ट खोलेंगे, उसमें बेयरिंग्स लगे होते हैं। तो सबसे पहले हम पिस्टन जिससे कनेक्टेड होते हैं कनेक्टिंग रॉड को खोलने वाले हैं। अब हम कनेक्टिंग रॉड खोलेंगे। तो कनेक्टिंग रॉड जो एक सिरा जो होता है छोटा सिरा जो पिस्टन से जुड़ा होता है और जो बड़ा सिरा होता है हम इसे बोलेंगे बिग एंड बेयरिंग।
तो सबसे पहले हम बिग एंड बेयरिंग को खोलेंगे। हम आई बोल्ट के नट को निकाल रहे हैं और प्लास्टिक रॉड या प्लास्टिक हैमर के माध्यम से आप इस आई बोल्ट को थोड़ा थोड़ा निकाल का मार के आप नीचे की तरफ। हमने पिस्टन निकाला है, पिस्टन दो नंबर का पिस्टन है। हमेशा ध्यान रखिए जब भी हम बिग एंड बेयरिंग कैप निकालते हैं तो मार्किंग के अनुसार उसे वापस उसी जगह पे आपको लगा के रखनी चाहिए। सब देख पा रहे होंगे हमने एक एक करके चारों पिस्टन निकाल दिए हैं, जबकि उसके जगह पे क्रमवारी हमको पिस्टन को रखना चाहिए।